कार्तिक, किशोर जी ने पैसों का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ, पैसे मिल गए, पैसे मेरे पास है। वो जहाँ बोलेगा, जैसे बोलेगा, मैं देकर आ जाऊंगा उसे पैसे। कार्तिक, मैं भी चलूंगी आपके साथ खुशी को लाने। नहीं सुरभि, तुम यही रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी रात तुम सोई नहीं। नहीं कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक। सुरभि, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। ये पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? आप यहाँ कैसे? देखिए, हमें खबर मिली है कि आपकी बेटी किडनैप कर ली गई है, हम आपकी मदद के लिए आए। पर आपको कैसे पता चला? इसका मतलब खबर सही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच है, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। डिमांड के मुताबिक किडनैपर ने पैसे मांगे और मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, सो प्लीज। आपको क्या लगता है, आप पैसे देकर उनकी डिमांड पूरी कर लेंगे, वो मान जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे? अभी पिछले हफ्ते ही एक जाने माने उद्योगपति मिस्टर मेहता की बेटी किडनैप हुई थी, फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उस बच्ची के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। बच्चों को वापस पाने की सबसे बड़ी गारंटी पुलिस का सहयोग और हमें साथ लेके चलने में ही है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम किडनैपर्स की बात पे यकीन करना चाहती हो? कार्तिक, मैंने आपसे कह दिया कि पुलिस को दूर रखिए खुशी के मामले से। सुरभि, मैं ये खुशी की सलामती के लिए कर रहा हूँ। कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक, 7 साल पहले आपकी बात ना मानकर जो गलती की थी मैंने, कहीं वो दोबारा ना हो जाए। कार्तिक, मेरे ख्याल से हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। सुरभि, हमारी खुशी को कुछ नहीं होगा। फास्टर इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज रहने दीजिए, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज, सुरभि, मैंने कहा ना, इस बार नहीं, मैंने फैसला कर लिया, मैं अकेले जाऊंगा पैसे देने के लिए और अपनी बच्ची को बचाने के लिए। आज चाहे जो भी हो, मैं अपनी खुशी को वापस ला कर लाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर बर्वे, हमारी फोर्स, हमारे सोर्सेस। नहीं इंस्पेक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं किया है, और अपने फैमिली मैटर में मैं आपकी कोई भी दखलंदाजी या इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जा सकते हैं। शुक्र है ये कार्टर ने सुरभि की बात नहीं मानी और पुलिस को भेज दिया, अब मेरा काम तो आसान हो जाएगा। अपने हाथ ऊपर करो, एक कदम भी बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। पीछे डो। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? रुक जाइए कार्तिक, हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। सुनिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस को क्यों लेकर आई हो? आज से 7 साल पहले जो हुआ था तुम वही कर रही हो, पागल हो गए हो क्या? नहीं कार्तिक, 7 साल पहले गलती मेरी थी, उस वक्त आप सही थे कार्तिक। इंस्पेक्टर साहब, आप रुक जाइए, वो मेरी बच्ची को मार देगा। पीछे हटिए, पीछे हटिए। मैं बच्ची को गोली मार दूंगा, पीछे हटिए। बच्ची को गोली मार दूंगा, बोल रहा हूँ, मैं सच में बच्ची को मार दूंगा, पीछे हटो। रुक जा, क्या कर रहे हैं आप? इसे कर कौन ही जाएगा? नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कुछ मैनेज कर रही थी ना, आपने पुलिस को उनका काम क्यों नहीं करने दिया? किडनैपर भी मिल जाता, हमारी खुशी भी मिल जाती, लेकिन नहीं, आपको हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। आपकी गलती की वजह से मेरी खुशी मेरे साथ नहीं है। 7 साल पहले जो गलती मैंने की थी, वही गलती आज आपने दोबारा की। आपकी वजह से मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है कार्तिक। मेरी गलती। मैंने जो किया अपनी खुशी के लिए किया। तुमने देखा नहीं था किडनैपर ने खुशी में बंदूक तान दी थी, और क्या जरूरत थी वहां पे पुलिस को बुलाने की?
मुझे इस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। खुशी सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, खुशी मेरी भी बच्ची है। तुमने अकेले अपनी बच्ची नहीं खोई, मैंने भी अपनी बेटी खोई है। क्यों ताई, ठीक बोल रही हूँ ना मैं? ये तो क्या बोल रही है सुरभि, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ताई बस, बहुत हो गया। आपने तो सत्य के मार्ग पर चलने की कसम खाई है ना ताई, तो कम से कम आज तो सच बोल दीजिए। ताई अगर आज आपने अपना गुलाह कबूल किया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि मैं आपको कार्तिक से माफी दिलवा दूँ। लेकिन अगर आज भी आपने झूठ बोला ना ताई, तो आप सब कुछ खो बैठेंगे, अपना रिश्ते नाते सब कुछ। हमारी खुशी को किडनैप करवाया और ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, ये ताई के इशारों पर उठते बैठते। ₹25 करोड़ चाहिए था ना आपको मेरी बच्ची की जिंदगी के बदले? हाँ करते, ताई ने ही हमारी खुशी का किडनैप करवाया था, ठीक उसी तरह जैसे 7 साल पहले करवाया था। और क्या प्रूफ चाहिए कार्तिक आपको? कार्तिक, ये कैसी लड़की से प्यार किया तूने? प्यारे जी ने अगर ये हरकत की है या नहीं की है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कसम खा के बोलती हूँ। हो सकता है इन्होंने की होगी लालच में आकर, पर मेरी तरफ देख कर, देख मेरी तरफ, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ताई इतनी घिनौनी हरकत करेगी? अरे मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, ये सारी मोह माया सब त्याग दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। लेकिन उसके बावजूद अगर तू सुरभि के कहने पर यकीन करके मुझ पर शक करेगा, फिर तो मुझे हंसी आएगी मुझ पर लगाए इल्जाम पर। हालत में अपने को 25 करोड़ हत्याने का ही चाहिए कार्तिक से, समझा ना? श्राप कराना है मुझे। किसका? एक वादे का, जो 18 साल पहले मैंने ताई के साथ किया।